तो और भाई क्या हालचाल, संस्कार से नमस्कार। गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जी वालों ने खुद एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछा है डीआईडी सुपर मॉम से रिलेटेड। दो कंटेस्टेंट हैं, रिद्धि और अल्पना, इन दोनों में से किसको टॉप 12 में आखिर होना चाहिए। रिद्धि का अगर परफॉर्मेंस आप सब देखेंगे तो काफी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस लगता है, तो वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब, मेरा नाम है एरी डायकन। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिद्धि और अल्पना के बारे में। अगर रिद्धि तिवारी परफॉर्मेंस आप सब देखेंगे तो काफी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस होता है, वैसे ही अल्पना है। इन दोनों कंटेस्टेंट का ऑडिशन में सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि ऑडिशन में ही इतना शानदार परफॉर्मेंस दी कि जज लोगों का तो बात दूर की है, जितने भी जनता लोग हैं उन दोनों से काफी खुश हो गए हैं वो परफॉर्मेंस देख के। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि कौन डिजर्व करता है टॉप 12 के लिए, बेस्ट कंटेस्टेंट कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि रिद्धि और अल्पना में रिद्धि सबसे ज्यादा बेस्ट कंटेस्टेंट है, जैसा आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। लेकिन ये सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या रिद्धि और अल्पना इन दोनों में से किसको टॉप 12 में जाना चाहिए, रिद्धि तिवारी को या फिर अल्पना को, इन दोनों में से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और कौन है आपका फेवरेट कंटेस्टेंट डीआईडी सुपर मॉम्स में, ये भी बताइए। अगले वीडियो मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तो लव यू गाइस और थैंक यू मेरे भाई लोग।